हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल, खुशामदीद लाइव मौजूद है उन K21 न्यूज़। 23 मार्च, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी हो, खुशहाली हो और अमन हो, सलामती हो। जो कहा कि वो सुबह कभी तो आएगी जब अंबर झुमके नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, जब तक जिंदगी आए तब तक हमें बेस्ट करना चाहिए, फिर मरने के बाद तो लाखों ही, कहते ना लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पर पहुंचते हैं दो एक, तो डेफिनेटली वी नीड टू डू समथिंग ऐसा कोई ख़ास जो लाखों में से अलग हो। तो इसी बात के साथ खुशामदीद कहते हैं। आज हम ये स्पेशल बन कबाब कर रहे हैं तैयार। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास चने की दाल थी जिसे उबाल कर पीस लिया, ठीक है जी। और इस तरह पीसना है कि इसका दाना देखें बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए जैसे कि आप देख रहे हैं। दीगर इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे गरम मसाला पाउडर मौजूद है, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, ये स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने हैं। साथ ही ग्रीन चटनी बनाएंगे, धनिया, पुदीना, मिर्च को यकजा करके हमने पीस कर ऐड करना है। मेयोनीज ऐड करना है, अंडा मौजूद है। बन मेक श्योर अच्छे हों, सॉफ्ट वाले हों, तेल वाले हों, ताकि बनाएं तो इसका अपना ही मज़ा होगा, ठीक है जी। 4 अदद बन मौजूद है। साथ ही आपकी पार्टिसिपेशन का भी सिलसिला रहेगा जारी, कॉल करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये देखें दाल चने की उबाल कर हमने पीस लिया था। इसी में स्पाइसेस, सबसे पहले वो इन्ग्रीडियंट्स यकीनन हुआ जहाँ से जायके का आगाज, सॉल्ट, कोई 1/2 टीस्पून हमने नमक ऐड करना है, पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी लगभग ज़रा चटपटा बनाएंगे तो ये 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला, मेक श्योर से अगर आप खुद भून कर पीस लें तो उसका अपना ही जायका आता है, 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, तो नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला, काली मिर्च मौजूद है ये भी ऐड करते हैं। साथ ही जिंजर गार्लिक, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 चम्मच आपने ये ऐड करना है, 1 अदद अंडा। अंडा ये होगा कि ज़्यादा ज़रा हार्ड होता है तो इससे ज़रा सॉफ्टनेस आ जाएगी, ठीक है जी। 1 अंडा ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से पीसना है। अगर आप जिस तरह वो जो आटा गूंद रहे हो उस तरह अगर उसको गूंद ले तो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर जितने भी मेहमान हो, चाहे आपके घर पे हो रही हो कोई पार्टी, तो इजीली आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आई थिंक इट वुड बी मच बेटर अगर आप इसको पीस कर रख लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ब्रेडेड करके रख सकते हैं। टू मेक इट मोर यमी, वॉट वी नीड टू डू, यहाँ पे हमारे पास अनियन है, प्याज 2 पीसेस, इसका ये हिस्सा आपने रिमूव कर लेना है, ठीक है जी। इसको पहले कट लगाना है इस तरह से, और फिर चॉप कर लेना है इस तरह से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आप बात कर रही हैं? जी हुमा बात कर रही हूँ। हुमा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक, मजे में। 23 मार्च आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ खैर मुबारक आप सबको भी, जाहिर है ये अहम दिन है हमारी पाकिस्तानियों के लिए, बहुत अहम दिन है ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई लाहौर में, बिंटो पार्क में, तो बच्चों न्यू जनरेशन को तो पता ही नहीं है कि आज के दिन क्या हुआ था, लेकिन यह है कि बताना चाहिए हमें अपने बच्चों को, न्यू जनरेशन को, कि आज के दिन क्या हुआ था। बिल्कुल, तो आप क्यों, आपको क्या लगता है कि न्यू जनरेशन में क्यों नहीं पता इसकी वजह? पता है आजकल जो बात सर ये है कि बच्चे, आपको पता ही है कि मोबाइल, आप टीचर ना, आप लोग नहीं बताते स्टूडेंट्स को, कहते हैं टीचर्स जो होते हैं वो नहीं, नहीं हम लोग तो बताते हैं, लेकिन मतलब है कि आप ये देखें आजकल बच्चों के मोबाइल हैं, गेम्स वगैरह, जो छोटे बच्चे हैं 3-4 साल के, वो भी गेम्स खेल रहे होते हैं। जी जी जी, तो हमारी जो मतलब पेरेंट्स हैं, खासतौर पर मैं माओ को कहूंगी कि वो इस तरह बस वो मोबाइल पकड़ा दिए, वो मोबाइल वो देख रहे हैं, गेम्स देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इस तरह बच्चों को भी करना चाहिए गाइड के, जो हमारे जो नेशनल डे है तो वो किस तरीके से मनाने चाहिए, क्या हुआ था उस दिन। जी 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 बिल्कुल, तो और बन कबाब बना रहे हैं, मैं देख रही हूँ अभी चने की दाल के। क्या क्या कहा? मैंने कहा बन कबाब बना रहे हैं अभी चने की दाल के। हाँ हाँ,
लेकिन ये बहुत मजे के बनेंगे, अंडे वाले जरा चटपटे बनेंगे, इंशाल्लाह मजा आएगा जी। आपको। नहीं, अच्छे लगते हैं इकबाल साहब, और इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी, आप बनाएंगे तो मैं भी इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन 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 आमीन। सेम टू यू, खुश रहें, शाद व आबाद रहें हुमा। ठीक है दोस्तों, हुमा मौजूद रही यहाँ से साथ ही, प्याज इसी में ऐड करते हैं और कोरिएंडर सब्ज धनिया चॉप कर लीजिए। बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिए धनिया। स्टिक्स भी आप ऐड कर सकते हैं, आई वुड से थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखें इसके स्टिक्स भी शामिल करते हैं लोग। ठीक है जी, तो ये सब्ज धनिया भी ऐड किया और कुछ मिर्चें भी ऐड करते हैं चॉप कर लीजिए, ग्रीन चिलीज। दो तीन और वन मोर फोर्थ वन, चार अदद ग्रीन चिलीज हैं, इसको भी आपने चॉप कर लेना है। तो चॉप्ड ग्रीन चिलीज भी इसी के अंदर ऐड करते हैं और ठीक है जी, उसको बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्स ताकि सभी चीजों का जायका रचे। लेकिन मेरे ख्याल से हो सकता है हमें एक और अंडा ऐड करने की जरूरत हो। ठीक है, देख लेते हैं उसको अच्छे से कर रहे हैं मिक्स ताकि सभी चीजों का जायका जबरदस्त रच जाए। और इसके साथ एक छोटे से वक्फे की जाने, ब्रेक के बाद सफर रखेंगे जारी, देखते रहिए शेफ 21। स्पेशल बन कबाब कर रहे हैं तैयार, और बहुत से लोगों की आज सालगिरह है, उन सबको बहुत मुबारक हो। इसी तरह हमारे जनाब फुरकान मुश्तबा साहब, सीईओ ऑफ K21 न्यूज़, सर आपको भी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और सबकी टीम, हमारी पूरी टीम की जानिब से K21 न्यूज़ पे जितने लोग हैं, हमारे कैमरामैन, DOP, ऑडियो, MCR, TCR, DCR, मेकअप, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, उन सब की जानिब से सर आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे, आमीन। चलते हैं बैक टू द रेसिपी। बन हमारे रोस्टेड हो चुके हैं, टू वर्ड्स प्रोसेस चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास, लेकिन मज़ा तो आएगा। ठीक है जी, अच्छा क्या कहते हैं ड्यूरिंग ब्रेक व्हाट वी डिड, यहाँ हमने चार जन बन है। लोग कहते हैं बंद, बंद नहीं होता, बन होता है BUN। ठीक है जी, इसको टोस्ट कर लिया था जैसे कि आप देख रहे हैं, एक जानिब से टोस्ट करना है और सॉफ्ट और क्रिस्पी तो हो ही थे लेकिन मजे के हो गए। ठीक है जी, और साथ ही टूवर्ड्स मैकिंग चलते हैं कबाब। हमने ड्यूरिंग ब्रेक कुछ बना लिए थे, बाकी आपको आपके सामने शेयर करते हैं। देखें इसका तरीके सही, जो बेस्ट वे इसका ये कि हल्का सा आपने हाथों पर ऑयल अप्लाई किया और इस तरह आपने कबाब उठाया और आपको हल्का सा दबाना है, ऑयल से इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, और इस तरह आपने दबाया तो ये आपकी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। कुछ और बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह दबाइएगा ज़रूर, चाहे सीख कबाब हो, गोला कबाब हो, कोई भी कबाब हो, दबाने से अच्छा हो जाता है। ठीक है जी, बल्कि एक और बन जाएगी मेरे ख्याल से, तो ये भी उठाया और हल्का सा आपने दबाना है बहुत मोहब्बत से, प्यार से, और इस तरह ये टिक्कियाँ आपकी तैयार हो जाए, इस तरह रखते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं बाकी प्रोसेस की जाने।
इस पैन के अंदर ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल और अंडे दो अदद मौजूद हैं, इसी बाउल के अंदर ये अंडे ऐड करते हैं जी। एक और वन मोर, दो अंडे इसको अच्छे से ऐड किया और इसको बीट कर लेना है, ठीक से फेंट लेना है, ठीक है जी। बीट इट वेल, इतना बीट करना कि फ्लफी होकर ऊपर आने लगे। ठीक है जी, तो यहां पे चूल्हा बहुत ज्यादा तेज नहीं रखना, हल्का सा आपने अंडा ऐड किया और अंडे के ऊपर इस तरह कबाब रखते रहेंगे। अंडा और उसके ऊपर ही कबाब, और पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी है। चटनी इंशाल्लाह अच्छी बनाएंगे, ग्रीन चटनी, धनिया, पुदीना, मिर्चें, कोल्ड स्लो बनाएंगे, कैबेज वाला सैलड भी, तो मजा आएगा इंशाल्लाह। हल्का सा और एक, और उसके ऊपर अंडा ऐड। ठीक है जी, तो हमारे आज जबरदस्त अंडे वाले बन कबाब हो रहे हैं तैयार। और आई थिंक जब आप खुद बनाते हैं घर में उसका अपना ही मजा। फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, जिसकी यू नो देयर सो मेनी वैरायटीज, बहुत ज्यादा तरह के बनते हैं। आप स्पाइसी बना सकते हैं, किसी में कॉर्नफ्लोर ऐड करें, किसी में फ्लावर ऐड करें, कुछ में अंडा ऐड होता है, चाहें तो ओवन के अंदर बेक कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा उसमें वैरायटी होती है जो आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, बस जैसे ही इसका ज़रा कलर आएगा तो इसे हमने ज़रा पलटना है नॉर्मल आंच पे। ये देख लीजिए, जैसे कलर आया एक तरफ से तो इसको आपने पलटना है। क्या बात है, अंडे की भी खुशबू मजे की होती है, क्या हाल है। अच्छा, अगर आप इसको बनाकर रख लें सुबह ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में बहुत अच्छा लगेगा, आप पराठे के साथ या चपाती के साथ खा सकते हैं, क्या ख्याल है आपका। चलिए, यहाँ जगह है तो एक दो और बना लेते हैं। यहाँ भी ऑयल ऐड किया, अंडा ऐड किया, अंडे के ऊपर इस तरह रख लेंगे, एक और अंडा ऐड किया और अंडे के ऊपर इस तरह रख लेंगे। चाहे तो दूसरी तरफ से भी अंडा ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं। चूल्हा कम रखिएगा, धीमी आंच पे जरा अच्छा बनेगा, मजे का बनेगा। बन टोस्टेड है, ग्रीन चटनी तैयार करनी है, कोल्ड स्लो तैयार करना, तो काम अच्छा खासा है। चलिए जी, इसको धीमी आंच पे बनने रखिए। यहाँ इस जूसर मशीन के अंदर सब्ज धनिया, पुदीने की, कुछ मिर्चें, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है जी। और इसके साथ ही इसमें ऐड करते हैं दही भी। यकीनन बहुत से लोगों की सालगिरह है, आपकी भी सालगिरह है, धनिया पुदीना मिर्च के साथ ही दही भी ऐड करते हैं, लगभग 250 ग्राम, एंड साथ ही कुछ स्पाइसेस, सॉल्ट, हसबे जायका, पेपर, चाहें तो हल्की सी एक चुटकी रेड चिली पाउडर। और से यहाँ आई होप आप देख पा रहे हो कैमरे की नज़र से कि ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर चाहें, वैसे मेरा दिल चाह रहा ज़रा स्पाइसी खाने का, तो कुछ और सब्ज़ मिर्च ऐड करते हैं और से बीट इट वेल। कैबेज में भी ये अच्छा लगता है। ठीक है जी, तो आप ज़रा इसका यहाँ निकालते हैं इसी प्लेट में,
चटनी देखें हमारी, मज़े की जी, मुझे तो बहुत अच्छी भी लगती है। और लोग रायता खाते हैं बिरयानी के साथ, लेकिन बिरयानी के साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है जी, चटनी हो चुकी है तैयार, कबाब तैयार हो रहे हैं, बन तैयार हैं ऑलरेडी हमारे, और कबाब बस जिन पे कलर आ चुका है, बाकी जो आ रहा है उसको ज़रा टर्न ओवर कर लेते हैं, पलटना है। एक तरफ कर लेंगे, और हीट ज़हर इसको आगे कर लिया है तो उस तरफ हीट आ रही है या नहीं आ रही, तो इस तरफ भले आप रख सकते हैं। ठीक है जी, चूल्हा बहुत ही कम, अब चल रहे टूवर्ड्स मैकिंग। तो कैबेज बंद गोभी से हम ये कॉर्सलो बनाते हैं, कैबेज के दो पीस किए, चार पीसेस करना है, और उसके बाद इस तरह आपने काट लेना है। और आजकल तो जिस तरह कद्दूकस होता है ग्रेटेड, उस टाइप की चीजें होती हैं जिससे भी आप कैबेज काट सकते हैं। ठीक है जी, एक और कैबेज जिसके इस तरह पीसेस की, और उसके बाद मेरे ख्याल से इतना काफी। ठीक है जी, तो मेयोनीज के अंदर से मिक्स करना है, तैयार होगा। और एक छोटे से वक्फे के जाने ब्रेक के बाद आई थिंक वी फाइनलाइज करेंगे, बन तैयार है, कबाब तैयार है, चटनी तैयार है, और मेयोनीज के अंदर कैबेज मिक्स करना है, कैचअप है, और हो सकता है फ्राइज भी बनाएं। तो लेट्स टेक अ ब्रेक, वक्फे के बाद रखेंगे सफर जारी, दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना, लेट्स टेक अ ब्रेक। आवाज आ रही तेरी, वेलकम बैक टू अवर शो वन मोर टाइम, खुश आमदीद। दोस्तों कैबेज के अंदर ऐड करते हैं, यहाँ पे मेयोनीज ऐड करते हैं, ये जो होते हैं अंडे वाले बन कबाब, इसमें आपकी मर्जी होती है। अच्छा, इसमें चटनी भी ऐड कर रहा हूँ जी। ठीक है जी, कैबेज के साथ इसमें चटनी भी ऐड की, और इसे मिक्स करें, इसमें यकीनन आपकी मर्जी होती है। आप चाहें तो सही, और चाहें तो डिश को ख़राब भी कर सकते हैं ज़रा सा, आई थिंक आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे। लेकिन ये कैबेज का ये सैलड ज़बरदस्त हो चुका है, ग्रीन चटनी भी ऐड की, और इसमें नई चीज़ें मेयोनीज़ भी ऐड किया है, और ये भी ऐड किया है। चलते हैं प्रोसेस की जानिब। लॉन्ग प्लेटर रखा, और कर लेते हैं इसको बिल्कुल ड्राई, कोशिश कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और कैबेज जो हमारे पास यहाँ बन है, इस पर अप्लाई करते हैं कैचअप और मेयोनीज, आप जो भी चाहें। मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है कैचअप, तो मैं कम ऐड कर रहा हूँ, चाहे तो मेयोनीज ऐड कर ले, मर्जी आप। ठीक है जी, रखा, और इसके ऊपर सबसे पहले ये चटनी ऐड करते हैं जी।
सबसे पहले चटनी इस तरह आपने रखनी। चटनी के साथ ही कैबेज, ये जो सलाद पत्ता, सलाद पत्ते के बाद जो ये अंडे वाले हमारा जो टिक्कियां थी इस तरह रखते रहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं भाई? वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, तो इतना आज बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पूरे आपके चैनल को, तमाम स्टाफ को, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। आज सैंडविच अच्छे लग रहे हैं और मेरे फेवरेट भी हैं। क्या सैंडविच? अच्छा अच्छा, बन जो बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, सही सही सही। और क्या कहेंगे आप? बस प्रोग्राम आपका अच्छे जा रहा है और बड़ी देर से मिला रहा था, शुक्र है लग गई कॉल मैंने। आज मुबारकबाद दूं भाई को, पूरे चैनल को, आपको बड़ा हमारा अजीम दिन है आज। बिल्कुल बिल्कुल, खैर मुबारक, खैर मुबारक। और आप भी खुश रहे, शादो आबाद रहे, खुशी होती आपसे बात करके। आप कुछ सुनाना चाहें तो सुनाए, 30 सेकंड है आपके पास सिर्फ। अच्छा, मैं भाई वो तराना है फहीम जो थे इब्राहिम साहब, उनका मैं, मुझे अच्छा लगता है वो, हमें आज के दिन के मुनाज़िर सुनना बने प्लीज। जमीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, खुदा करे खुदा करे सदाहरी भरी रहे। जमीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। वाह वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू इब्राहिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद रहे इब्राहिम साहब। अच्छा जी, इसके ऊपर फिर से जरा चटनी ऐड करते हैं कबाब के ऊपर। और बात यहां खत्म ना होगी, मजे का कैबेज है, सैलड है, ये भी इसके ऊपर रख लेते हैं। सभी के ऊपर, एक के ऊपर, दूसरे के ऊपर, ठीक है जी, सबके ऊपर। और साथ ही इसके ऑन द टॉप चाट मसाला, एजेस पे तो रख लीजिए आप। यहां जो जगह है यहां पे हमारा ये सैलेड आ जाएगा। बन का दूसरा हिस्सा इस तरह रखेंगे। To make it more colorful, टमाटर। और जब भूख लगी हो और तो उसमें यकीनन ये स्पेशल बन कबाब बहुत अच्छे लगते हैं, इंशाल्लाह अच्छे खासे हैं, बनाते रहेंगे शो के बाद भी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एवरीवन, आपसे लेते हैं इजाजत क्योंकि एंजॉय करना है, बाकी प्रोसेस भी है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। खुश रहें, शादो आबाद रहें, अच्छा खाना हो, हेल्दी खाना हो और अपनों का साथ हो तो उसका अपना ही मजा हो। ठीक है जी, और बाकी जो चटनी है, एक बाउल है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट, इसी के अंदर निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कल मुलाकात होगी, खुश रहें, शादो आबाद रहें। थैंक यू एवरीवन, रोजाना शेफ 21 ऑन K21 न्यूज लाइव। डू ज्वाइन अस ऑन फेसबुक, यूट्यूब, माशाल्लाह बहुत ट्रैफिक आ चुका है, 34,000 सब्सक्राइबर हो गए, अब तेजी से जाएगा K21 न्यूज। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।